गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी गाइस, एक और सीरीज में आपका स्वागत है। बहुत जल्दी आ गए, इतनी जल्दी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी वापसी हो जाएगी। तो सीन स्टार्ट करते हैं, सवेरे के 5 बज रहे हैं और मैं पूरा रेडी हूँ निकलने के लिए अहमदाबाद के लिए, वो भी बाय रोड जा रहा हूँ मैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ होने वाली है। सीरीज़ इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाली है क्योंकि वर्ल्ड कप का फाइनल मैच है, इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया। इंडिया आपको पता है पहुँची भी है, तो बस फिर चलते हैं सीधा अहमदाबाद, गाड़ियाँ लगाते हैं, बाय रोड जा रहा हूँ, आपको भी लेके चलते हैं। और भाई ट्रिप मीटर को भी कर लेते हैं जीरो। कैसे होगी जीरो, एक मिनट। ठीक है भाई, ट्रिप मीटर जीरो हो चुकी है आपके सामने, चलते हैं फिर। तो भाई 290 किलोमीटर हो चुका है और अभी भी 610-620 किलोमीटर और बाकी है। और अभी तो मैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से आ रहा था, तो 290 किलोमीटर मेरे 2.5 घंटे में ही हो गए। बहुत अच्छी स्पीड थी, मैंने 140-150 पे स्पीड को मेंटेन करके चला है। तो अब यहाँ से कम स्पीड वाले हाईवे स्टार्ट होंगे, 70-80 की स्पीड रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक लिया था, एक छोटा सा टी ब्रेक आप समझ लो, वही लिया था। और जस्ट अभी एक्सप्रेस वे से नीचे ही उतरे हैं, जस्ट एक ये छोटा सा ढाबा आया था, मैं कहा चलो एक ब्रेक ले लेते हैं। रोड बहुत अच्छे थे, रिकॉर्ड मैंने ज़्यादा करा नहीं क्योंकि 140-150 पे आपको पता गाड़ी चल रही थी, तो उस चक्कर में रिकॉर्डिंग सेफ लगी नहीं मेरे को। एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, वो भी स्टार्टिंग में स्पीड कम करके, तो वो डाल दूंगा। बाकी चलते हैं, जैसे जैसे रास्ता आता रहेगा दिखाते रहेंगे। गूगल अभी भी 12 घंटे दिखा रहा है 600 किलोमीटर के, बाकी आपको अपडेट करते हैं चल के। भाई 2 ही किलोमीटर हुए हैं, अभी दोबारा रुके हैं। उस वाले ढाबे पे कोई था नहीं, ढाबा खुला था लेकिन कोई था नहीं वहाँ पे। साथ वाला कह रहा था कि अभी 10-15 मिनट बाद आएगा, मैं कहा चलो आगे रुक जाते हैं, अभी चाय ब्रेक के लिए रुके हैं। तो भाई ये अपनी गाड़ी है, जिन लोगों का नहीं पता, टाटा नेक्सॉन पे हम ये रोड ट्रिप कर रहे हैं, पेट्रोल इंजन ऑटोमेटिक। आपको साथ साथ इसकी एवरेज भी बता दूंगा। एक्सप्रेसवे पे तो 15 की एवरेज निकाली है, 150 की स्पीड पे 3-3.5 RPM की स्पीड जो थी मेंटेन थी, तो उस हिसाब से अभी स्पीड और बढ़ेगी, स्पीड कम होगी, अब तो 70-80 की स्पीड पर चलेगी, तो एवरेज और बढ़ेगी इसकी। बाकी आपको साथ साथ अपडेट और देते हैं। तो भाई चाय ब्रेक के बाद तो मैं पैसेंजर सीट पर आ गया था, गाड़ी मैं नहीं चला रहा, 3-4 घंटे बाद दोबारा गाड़ी को मैं चलाऊंगा, जब तक मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ, उसके बाद देखते हैं। अभी फ़िलहाल ये नज़ारा है आगे का, ठीक है, अब तो आगे का सारा रास्ता ऐसे हाईवे पर निकलेगा। बाकी किलोमीटर अभी 350 किलोमीटर होने वाले हैं, आपको साथ साथ बताता हूँ। सही है रास्ता, ओके है, बस थोड़े बहुत गाय वैसे आ रहे हैं बीच में, वो थोड़ा थोड़ा ध्यान देना पड़ रहा है, बाकी तो ओके है। किलोमीटर फ्रॉम लास्ट स्टॉप एंड इन टोटल 360 किलोमीटर डन। और छोटे से फ्यूल ब्रेक के लिए रुके थे बस, ये सामने गाड़ी खड़ी है हमारी, चलते हैं आगे की तरफ निकलते हैं। तो भाई 5.5 घंटे घर से निकले हुए हो गए हैं और रास्ता इतना बढ़िया था, 500 किलोमीटर में ऑलरेडी कर चुका हूँ, 470 किलोमीटर और रहता है। 5.5 घंटे में आप लगा लो 500 किलोमीटर हो चुके हैं, तो बहुत अच्छी स्पीड थी, 100 से गाड़ी तो नीचे 1 मिनट भी नहीं गई, तो इसी रीज़न से काफ़ी अच्छी स्पीड मेंटेन थी। अब मेन बात यह है, अब स्पीड अब कम होगी क्योंकि अब आने वाले 100 किलोमीटर मोटा मोटी सारी की सारी सिंगल रोड है, ऐसे आने की भी यही है जाने की भी यही है,
तो अब थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, पर ये भी फटाफट कवर हो जाएगा, ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है। बाकी आधे घंटे का ब्रेक लिया, आधे घंटे बाद अब यहाँ से निकलेंगे, थोड़ी जल्दी निकल सकते हैं। थोड़ा गाड़ी को भी रेस्ट मिल जाएगा, थोड़ा मेरे को भी रेस्ट मिल जाएगा। अब गाड़ी मैं चलाऊँगा, 200 किलोमीटर से मैं पैसेंजर सीट पर बैठा था, अब गाड़ी चलाने की दोबारा बारी मेरी स्टार्ट हो गई है। अब देखो 2-3 घंटे तो मैं गाड़ी चलाऊंगा ही, उसके बाद बात करते हैं क्या सीन है। थोड़ा सा परौंठे परौंठे खाए हैं, चाय पी रहा हूँ। 25 मिनट का ब्रेक हो गया, निकलते हैं अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई गाड़ी की सीट पे हम आ चुके हैं वापस, अब चलाएंगे हम गाड़ी और निकल गए हैं बूंदी से, और 490 किलोमीटर बस बाकी है। और लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वी आर इन उदयपुर राइट नाउ। 10 घंटे में पहुंचे हैं उदयपुर, एक तरीके से नॉन स्टॉप ही आए हैं, सिर्फ एक ब्रेक लिया था 25 मिनट का, मैंने व्लॉग में कवर भी किया था, और बाकी छोटे छोटे 2-4 मिनट के ब्रेक और लिए थे। बाकी 9.5-10 घंटे में हम उदयपुर पहुंच चुके हैं, लास्ट के 200-300 किलोमीटर रहते हैं बस, 200 भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, 200 तो नहीं 250 किलोमीटर ज़्यादा रहते, 250 किलोमीटर तक रहते हैं, आज ही ख़त्म करके 2-3 घंटे में पहुँच जाएंगे। बाकी नज़ारा, ये एक छोटा सा ढाबा है, यहाँ पे रुक रहे हैं खाना खाने के लिए, जो मेजर स्टॉप है। और पता क्या है, थोड़ी सी ना थकावट भी होनी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि 720 किलोमीटर बिल्कुल नॉन स्टॉप करे हैं, तो अब थोड़ी थोड़ी नींद सी भी आ रही है। अब वैसे ज़्यादा टाइम नहीं बचा, सिर्फ 3 घंटे का रास्ता बचा है, बट पहुँचते पहुँचते काफ़ी थकावट हो गई है, पहुँच जाएंगे भाई टाइम से। भाई ये गुजरात की एंट्री हो रही है, ये बॉर्डर है, और पिछले 45 मिनट से सिर्फ 1 या 2 किलोमीटर ही हुई है। सुनने में आया आगे चेक पोस्ट लगा हुआ है, तो उसके चक्कर में काफ़ी लंबा जाम लगा हुआ है, और थोड़ा सा ही जाम रह गया आगे, ज़्यादा नहीं, मेरे ख्याल से 200-300 मीटर ही रह गया है, पर काफ़ी डिले हो गया इस चक्कर में, जितनी भी स्पीड से आए थे ना सारी स्पीड की एवरेज नीचे जा रही है। भाई गुजरात स्टेट एंटर कर चुके हैं, और आप ये देख लो 61 किलोमीटर्स रिमेनिंग, 8:37 का अराइवल दिखा रहा है, एंड आई हैव कंप्लीटेड 898 किलोमीटर्स ऑलरेडी डन, 900 किलोमीटर आप मान लो, 16.5 की एवरेज दे रही है गाड़ी, एंड एज यू सॉ 900 किलोमीटर डन, 1 घंटा 15 मिनट और दिखा रहा है, और सवेरे 5:30 के निकले हुए हैं। भाई बहुत लंबी ड्राइव हो चुकी है, बस 1-1.5 घंटे का ही स्टेमिना बचा है, और 1-1.5 घंटा ही मेरे फाइनल डेस्टिनेशन पे बचा है। ऑलमोस्ट अहमदाबाद पहुंच चुके हैं, बस पहुंच के आपको सीधा होटल में मिलता हूँ। तो भाई 973 किलोमीटर्स, 16 घंटे 30 मिनट, और फाइनली अहमदाबाद पहुंच चुके हैं, और सीधा होटल में चेक इन कर लिया है अहमदाबाद के। काफ़ी थकावट हो गई, 9 बज चुके हैं, 5:30 निकले थे भाई, आप हिसाब लगा लो, नॉन स्टॉप एक दिन में गाड़ी लगाई है, आपके सामने ही है भाई। मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता कि एक दिन में कोई भी करे, हम थोड़े से यूज्ड टू हैं, हमारी रोज़ की 200-250 किलोमीटर रनिंग होती रहती है रेगुलर बेसिस पे, तो हमने हिम्मत दिखा दी थी, बट मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा। तो भाई रात के 10:30 बज रहे हैं, और अब निकले हैं अहमदाबाद की गलियों में कुछ खाने के लिए, काफ़ी ज़्यादा थके हुए हैं, कुछ खाया है, सबवे पैक करा लिया क्योंकि मार्केट भी बंद होने लगी है। हमारा ना मार्केट के आसपास ही होटल है, मतलब यही पूरी मार्केट है, और इस बिल्डिंग में ही हमारा होटल है, और ये पूरी मार्केट है, बहुत अच्छी है और हैपनिंग मार्केट है, बट यहाँ पे 10 बजे तक सारा बंद हो जाता है, सबवे भी जस्ट बंद होने लगा है। बाकी तो आपको पता ही है बस।
तो भाई आज के वीडियो को फिर यही ख़त्म करते हैं, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है। तो बस आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू डिड डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप, थैंक यू।